हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीरज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सीपी क्या होता है। क्या आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो टाइम पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पाता है, उसको चलने में डिफिकल्टी है, या जब खड़ा होता है उसको दोनों जो पैर होते हैं लेग क्रॉस कर जाते हैं? ऐसे बच्चों को नॉर्मली हम लोग सीपी या मेडिकल टर्म में सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं। इसके होने के डिफरेंट स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपको एंटीनेटल, इट मींस जो बच्चा का जन्म होता है उसके पहले अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है, एनी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है, गिर गई है, चोट हो गई है, ऐसे केस में जो बच्चा का ब्रेन होता है वो अफेक्टेड होता है और यहाँ पे बच्चे के सीपी होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर बर्थ के समय बच्चे के गले में अगर नोटोकॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाता है वो सीपी कॉज कर सकता है, या अगर बच्चे का जो ब्रेन का साइज है वो काफी बड़ा होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसिफेलस, तो वहां पे चांसेस होता है, या कभी कभी अगर लोकल डाई उसको डिलीवरी कराती हैं तो यहां भी सीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉज होता है ब्रीच डिलीवरी, जहां पे आम भाषा में कहते हैं कि बच्चा जो है उल्टा पैदा हो रहा है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा का बर्थ होता है तो बर्थ कैनाल से हेड का डिलीवरी पहले होता है, देन उसके हाथ और पैर बाहर निकलते हैं। बट अगर बच्चे का मेल पोजिशनिंग है, बच्चा अगर उल्टा हो रहा है, यहां भी चांसेस होता है सीपी को डेवलप होने का। ओके, नेक्स्ट इस स्टेज को हम कहते हैं पेरिनेटल स्टेज, इट मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लास्ट स्टेज होता है आफ्टर डिलीवरी, दैट इज नोन एज पोस्ट नेटल स्टेज। यहां पे अगर बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, मोस्ट कॉमनली आप देखते होंगे कि बच्चे को रखा जाता है वार्मर में आफ्टर बर्थ ड्यू टू द न्यूनेटल जॉन्डिस, या कभी कभी उसका जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो काफी हाई हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, ये भी सीपी कॉज करता है, या केस बनता है बर्थ एनोक्सिया का या एस्पेक्सिया का। अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ये भी सीपी कॉज करता है, और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है तो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करते हैं। जिस ब्रेन के जिस पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल से कम होती है, इट मींस वो फंक्शन बच्चे का लॉस हो जाएगा, इट मींस वो ठीक से देख नहीं पाएगा, या उसका जो मेमोरी है याददाश्त जो है वो अफेक्टेड होता है, या उसकी जो स्पेलिंग पावर है वो डिस्टर्ब होगी, या उसका मसल्स का टोन है या पावर है वो डिस्टर्ब होगा, उसका जो स्पीच होगा, जो बोलने की शक्ति है वो अफेक्टेड होगा, या तुतला के बोलेगा या हकला के बोलेगा। ये कुछ कॉमन फाइंडिंग हमें सीपी को देखने को मिलती है, और ऐसे बच्चों को ट्रीट करने में पूरी एक रिहैब टीम का योगदान होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। लाइक जो न्यूरो के डॉक्टर है वो जो बच्चे के डॉक्टर, दैट इज नोन एज पीडियाट्रिक्स, या आपके जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, ये कुछ कॉमन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। सीपी के जो नॉर्मल टाइप्स होते हैं, दैट इज नोन एज स्पास्टिक सीपी, एथेटॉइड सीपी, कोरिक सीपी, या मिक्स टाइप के भी हो सकते हैं कि एक से ज्यादा फीचर मिल सकता है उसमें। एक कॉमन होता है अटैक्सिक, तो कभी कभी ग्रुप में हमें मिक्स टाइप के सीपी मिलते हैं, कुछ फाइंडिंग मिलेगा स्पास्टिक का, कुछ फाइंडिंग हो अटैक्सिक के। तो ये कंप्लीट असेसमेंट के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आया है वो किस टाइप का है और उसका क्या क्या अभी शॉर्टकमिंग्स है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके शहर बनारस में सीपी के लिए ट्रीटमेंट सेंटर अवेलेबल है। इस सेंटर का नाम है फिजियो मैनुअल, जो आपका सिचुएटेड है आर के पुरम कॉलोनी सुंदरपुर में। यहाँ पे जिस टाइप के बच्चे होते हैं उसका कंप्लीट असेसमेंट होता है और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो बच्चा है वो किस कैटेगरी का है। वो स्पास्टिक है, अगर स्पास्टिक होगा तो आप देखेंगे उसके हाथ पर आपको कड़े दिखाई देंगे और जब भी चलेगा तो उसके पैर ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं, दैट इज नोन एज सिजरिंग गेट। अगर आपका बच्चा अटैक्सिक होगा तो ठीक से बैठ नहीं पाता है, ठीक से चल नहीं पाता है, अपने बॉडी को स्टेबल नहीं कर पाता है। अगर उसका कैटेगरी होगा कोरिक का, तो ऐसे में देखिएगा उसका जो मूवमेंट होता है बॉडी या फेस का वो अनकंट्रोल्ड रहेगा, वो अपने बॉडी को या सर को हिलाता रहेगा, जब भी उसको आप थोड़ा सा आवाज देंगे या बात करेंगे उसका बॉडी का मूवमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस सेंटर पे इस बच्चे का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, ओके, और क्या क्या एक्टिविटी कर पा रहा है और क्या क्या नहीं कर पा रहा है। तो पहले हम चेकआउट करते हैं कि जब लेटा हुआ पेशेंट है तो लेटने के बाद वो करवट ले पा रहा है कि नहीं, ठीक है, सुपाइन से प्रोन, अप्रोन टू सुपाइन कर पा रहा है कि नहीं, लेटने से उठने की उसकी क्षमता है कि नहीं, अगर उठ के बैठ गया है तो बैठने का बैलेंस कैसा उसका है, डिस्टर्ब तो नहीं है, बैठने के बाद क्या खड़ा हो पा रहा है। सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं उसका हेड कंट्रोल है कि नहीं, अगर बच्चा अपने सर को उठा ले रहा है तो ऐसे केसेस में रिकवरी होने का चांसेस जल्दी होता है। अगर हेड कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ पे उसको टाइम टेकिंग का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे बच्चों को रिकवरी में। फिर हम चेकआउट करते हैं कि बैठने के बाद जब खड़ा हो रहा है तो खड़े होने का बैलेंस कैसा उसका है, देन चलने का बैलेंस कैसा उसका है, ओके। इस तरह के बच्चे को डील करने में टाइम लगता है और टोटल एक टीम वर्क का रिक्वायरमेंट है, वो चाहे थेरापिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, या फादर मदर या सोसाइटी है, यहाँ पे सभी का कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। किसी एक के ट्रीटमेंट से या हेल्प से इस बच्चे को हम कंप्लीट रिहैब नहीं कर सकते हैं, सो इट्स अ टीम वर्क।
ओके तो हमारे इस बच्चे का कंप्लीट असेसमेंट के बाद जो थेरेपी का प्रोसेस होता है स्टार्ट होता है। अगर टोन ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, टोन कम हो गया इट मींस मसल्स पावर कम हो गया है उससे हम इम्प्रूव करते हैं। अगर उसका सिटिंग बैलेंस नहीं है उसको डेवलप करना है, कहीं अगर मसल्स टाइट हो गया है उसको हम लोग अगर रिलीज करते हैं फ्री करते हैं और ऐसे बच्चों की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो एक फिजियो का काम होता है उसका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करना और अगर हो गया है तो उसकी रिमेडी क्या होगी इसको प्लान करना। ओके सो आइए देखते हैं हमारे सेंटर में इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये केस आपको है सीपी का, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में सेरेब्रल पाल्सी। यहाँ पे इसका हिस्ट्री आ रहा है कि बर्थ के बाद इसको जॉन्डिस हो गया था और उसके बाद से इसको जो डिफिकल्टी हो रहा है बैठने में और चलने में, बिकॉज का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब है और क्वाइट इसका जो स्पीच है वो भी अफेक्टेड है, विजन इसका नॉर्मल है, मेमोरी शार्प इसका है, ठीक है, और जो बॉडी का टोन है वो बढ़ा हुआ इसका है अपर लिम में लोअर लिम में भी। ओके तो इसको मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है ड्यूरिंग स्टेंशन। तो हम चाहते हैं कि अपर लिम में जो फ्लेक्सर टोन नॉर्मली इंक्रीज होता है स्पास्टिक केस में एंड लोअर लिम में जो एक्सटेंशन मसल्स का टोन होता है वो इंक्रीज होता है। ओके यहाँ पे जो फंडिंग लिया हम लोगों ने तो यहाँ पे बाविल्स की भी पॉजिटिव आ रहा है इसका, देख सकते हैं एक्सटेंशन आ रहा है और जो अगर डीटीआर भी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्साइटेड है इसका, इसको चेक करने पे हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है जल्द जो है नॉर्मल से ज्यादा है, और ये केस आपको स्पास्टिक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में और हमें फाइंडिंग मिलता है किस किस मसल का टाइटनेस है, नॉर्मली जो मिलता है इलियस वॉस का, एडक्टस का, हैमस्ट्रिंग का और टेंडो एक्लिस का, ये कॉमन टाइटनेस मिलता है लोअर लिम में। तो इस बच्चे का भी एडक्टर मसल्स टाइट है और अगर टाइट होता है तो यहाँ पे गेट पैटर्न क्रॉस करता है जिसको हम कहते हैं सीजरिंग गेट, इसलिए जब भी बच्चा खड़ा होगा उसके दोनों लेग यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं। ओके तो उसका बेस्ट टेक्निक है इस मसल्स का टोन को डिक्रीज किया जाए और ऐसा जो भी पोजीशन है कि जहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ रहा है या लेट रहा है उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। देन फाइनली सबसे बच्चे को सबसे लास्ट में स्ट्रेचिंग कराना चाहिए, इस तरह से हल्का सा प्रेशर देके आप ट्राई करें डेली इसका रेंज को इम्प्रूव करने का। इसके अलावा जो पैटर्न होता है वो यूज़ करते हैं अपर लिम के लिए PNF, सो इस पैटर्न में इसको आप PNF करवा सकते हैं, ये हेल्प करता है इसके बैलेंस कंट्रोल को इम्प्रूव करने में और जो टोन ज़्यादा है नॉर्मल से उसको नॉर्मलाइज करने में। सो दिस इज द पोवार टेक्निक, आप इसको यूज़ करें अपर लिम के लिए है, देन सेम लोअर लिम का अगर एडक्टर टाइटनेस है तो बेटर हमारा पैटर्न होगा हेल्पर से होल्ड करके इसको अंदर लेके जाएं और बाहर लेके आ और पेशेंट से बोले इसको ऐसे पुश करने के लिए और आपको यहाँ पर रजिस्ट करना है, तो ये हेल्प करता है इसका अगेन मसल्स पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है, और जो बैलेंस कंट्रोल है वो इम्प्रूव करेगा इसका और टोन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो नॉर्मली स्पास्टिक पेशेंट में मसल्स पावर का लॉस नहीं होता, जो लॉस हमारा हो रहा है वो हो रहा है टोटली आपको वॉलंटरी कंट्रोल का, जो नॉर्मल कंट्रोल होता है वो पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है तो स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं कर पाता हो, तो हमें उसको प्रोसाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रंक बैलेंस के लिए बेस्ट होता है ब्रिजिंग करवाना, तो वहाँ पे इसका बोथ एंकल को आप स्टेबलाइज कर दें और नी के पास ऐसे होल्ड करके इसको हल्का सा पुश करेंगे, आपको देखना है कि बच्चा ट्रंक उठा रहा है कि नहीं, इनकेस नहीं कर रहा है तो अपने फिंगर से हल्का सा इसको आप यहाँ पर स्क्रैच करें या गुदगुदी करेंगे तो उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब जितने लंबे समय तक इसको होल्ड कर पा रहा है उतना बढ़िया है, उसका ट्रंक का बैलेंस जो है इम्प्रूव होगा, है ना। तो इनिशियली 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना होल्ड कर पा रहा है उसको रखेंगे और ग्रेजुअली टाइम को बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना है कि बच्चा आपको ठीक से बैठ पा रहा है कि नहीं, इसके चाहे तो सिटिंग बैलेंस को बढ़ाने के लिए पूरा आसपास तकिए लगा दीजिए, पीछे तकिया होगा, साइड में तकिया होगा और बच्चे को बिल्कुल छोड़ दीजिए वहाँ पे, ठीक है। आपको देखना है कि बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपको ऑब्जेक्ट दीजिए इसको और इसको बोलिए टच करने के लिए, इसको लेना बेटा, इसको लेना, इसको छूना हाथ से, इसको लेके दिखाओ, ठीक है। या फिर आपका अगर मोबाइल से अट्रैक्ट होता है जिससे पसंद करें, मोबाइल है, टॉयज है, इसको लेना, ये लो, गुड, ठीक है, यहाँ पर लिया और ग्रेजुअली आपको डिस्टेंस बढ़ाना है। अब यहाँ स्टार्टिंग हो गया, क्वेश्चन करवाया आपने, फिर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इधर लेना, इसको लेना, ले लो, जैसे ट्रंक का बैलेंस और जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है और बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। पहले वन साइड कराना है अलग अलग, फिर आप ट्राई करें कभी zigzag पैटर्न में, कभी आगे, कभी पीछे, कभी यहाँ साइड में, इससे क्या होगा दाएं बाएं घूमेगा तो उसका जो स्पाइन का ताकत है वो बढ़ता है और उसको बैठने में हेल्प करता है, कुश्ती लड़े, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ट्राई कीजिए, थोड़ा पुश करेगा आपको,
धक्का देना, धक्का दो, धक्का दो, ठीक है। इसके अलावा खुद भी इसको हल्का सा प्रेशर देकर देखिए बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं अपने आप को, थोड़ा पीछे कराने की कोशिश कीजिए, रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, ठीक है। रोकने की कोशिश कर पा रहा है मतलब उसका बैलेंस ठीक ठाक है, इंप्रूव हो रहा है तभी कर पा रहा है। इसके अलावा फिर साइड टू साइड, ठीक है, इसको देखिए आप रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, तो ये ट्राई कर रहा है, इसका थोड़ा बैलेंस है तो ट्राई कर रहा है, लेकिन इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। कैसे हाथ रख करके ऐसा थोड़ा हटा दीजिए, घुमा नहीं है इसमें ना, ब्रेन से थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो जितना मसल्स का ताकत होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस ताकत जो टोन एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा कम करना होता है, और सर दिमाग से वही ब्रेन का डिफेक्ट होता है ना, उसी से आता है वो बाय बर्थ जो होता है ना, तो होने का बहुत सारा कारण है। जन्म के पहले मम्मी को दिक्कत होगा तो हो सकता है, जन्म के समय कुछ अगर इसको डिलीवरी में दिक्कत आया है, मान लीजिए उस बच्चे का सर काफ़ी बड़ा होता है, ये कभी कभी जो डिलीवरी होता है वो नॉर्मल सही हो पाता है, या गले में जो फंस जाता है, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड उससे दिक्कत आता है, या जन्म के बाद अगर मानी बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, जैसा बता रहे हैं कि इसको रखा गया था वार्ड में, तो हो सकता है इसको जॉन्डिस कॉज किया होगा, ठीक है। तो बच्चा जब पेट में रहता है तो गर्म रहता है ना, इन्वायरमेंट रहता है, जब बाहर निकलता है टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहाँ पर मोस्टली बच्चे को जॉन्डिस सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो गर्मी के लिए जो रखा जाता है उसको वार्मर में 10 दिन 20 दिन जैसा नीड होता है उसको रखा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वो काम करना हम कम कर देते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी अब चाप का काफ़ी अच्छा है, कंट्रोल में है, थोड़ा सा मैंने से इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सीटिंग बैलेंस देखा जाए तो ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, बैठो बैठो, बैठ जा उससे, बैठो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, चल बैठो, तो मेरा हाथ पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो, गुड, पकड़ो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल, ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज करके इसके बैलेंस को इम्प्रूव करना होगा तब ये सब आएगा। ऐसे आप रखो तो पीछे उठो, पीछे उठो, उठो, उठना है, ठीक है। कंट्रोल से इस कर रही है, ठीक है, पीछे उठा पा रहा है, यहाँ तक कर पा रही है। अब इसके आगे जो लोअर पोर्शन का है, नीचे का पार्ट है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि इसको बैठने में और ताकत मिलेगा और डिसबैलेंस नहीं होगा, गिरेगा नहीं है, ठीक है। तो उसके लगातार मुझे आपको थेरेपी करना होगा, घर पर करेंगे किसी गले के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें जो फाइबर पीछे का इसका है वो टाइट हो गया है, ठीक है, सीधा आ जाओ, उठ के बैठना, उठ के बैठ जाओ, बैठो अपने से, गुड, खड़ा हो जाओ, ठीक है। नॉर्मली बच्चे डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, ठीक है, जैसे कहीं हैंड सपोर्ट नहीं लिया कि नीचे पर हैंड सपोर्ट लगा तो खड़ा हो रहे हैं, नॉर्मल इंडिपेंडेंट हो रहा है, हल्का सा असिस्ट करना होगा, चल चल बेटा, चल आगे चलो, कमर की दिक्कत है ना, हाँ कमर जो उसका थोड़ा ताकत कम है नॉर्मल से, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो हो जाएगा, ठीक है, चल आज लेट जाओ, थोड़ा पंच चलो चलो ठीक है। इसका जो चलने का कंट्रोल थोड़ा नहीं आ रहा है, बाकी बैठते उठते कंट्रोल अभी है इसका, ठीक है। इसको देखिए रेगुलर इसका काफ़ी चलेगा, एक्साइज होगा ना तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जिसको थोड़ा जानकारी है या तो घर में इसको कराइए, सीखने के बाद फिर से करिए इसको, क्योंकि समय लगता है इसमें, एक दिन नहीं आता, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। या जो आ
आजा। ठीक है, बिहार पेड इसको है स्टैंडिंग बैलेंस जो है डेवलप करने का प्लान है। इतना स्टैंडिंग बैलेंस अप कराना होगा आपको, बहुत छोटा दो है इसको, इस पर ठीक है। इसके हाइट पर जो स्टूल है चेयर ले लीजिएगा ताकि इसका पैर जो नीचे रहे टच करें, यहाँ पे भर जाइएगा आपका घुटना इसके पास रहेगा, यहाँ पर पंद्रह नीचे ठीक रहेगा इसका, और इसको घुटना पे वेट लेके खड़ा होगा आ जाएगा। नीचे रखो, नीचे 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 रखो, नीचे ऐसे रखो, सामने देखो, सामने मेथड देखो, यहाँ देखो, बैठो सामने देखो, सामने सामने देखो, मुझे देखो मुझे, हाँ चलो बैठो बैठो ठीक है। इससे जो खड़ा होने का ताकत है वो बढ़ेगा, खड़ा हो खड़ा हो, तो अभी सब ट्रंक वीक है, आपका पैर वीक है तो कैसे सीपी बच्चों का कंप्लीट असेसमेंट होता है, देन हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करते हैं और ऐसे बच्चे को ट्रीट करते हैं। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि पेशेंट को कुछ दिन यहाँ पर ट्रीट करें, देन उसको गार्जियन या जो भी इनके साथ में आते हैं उनको हम सिखा दें कैसे करना होता है, और नेक्स्ट कुछ समय के बाद वो फॉलोअप के लिए आ सकते हैं, सो दैट बच्चे का ट्रीटमेंट घर पर भी आराम से हो सके। अगर दूर का बच्चा होता है तो कंप्लीट हम लोग उसको एजुकेट करके यहाँ सेंड करते हैं ताकि उनके जो गार्जियन है घर पर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें, और ऐसे बच्चों का जो ट्रीटमेंट है एक बार में पॉसिबल नहीं होता है तो जहां तक पॉसिबल हो पूरे दिन में 2 से 3 बार को ट्रीट करना चाहिए, सो दैट उसका जो रिकवरी होगा वो फास्ट होता है। तो दोस्तों आपके कॉन्टैक्ट मैसेज कोई भी अगर बच्चा है जो टाइमली उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, या खड़ा नहीं पा रहा है, या अपने नॉर्मल काम को नहीं कर पा रहा है, आप ऐसे बच्चों को लेकर इस सेंटर पर आ सकते हैं, एक बार विजिट करें, उसका कंप्लीट असेसमेंट करके फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएंगे, उसको घर पर आप ट्रीट करें, और अगर पॉसिबल हो तो आप डेली उसको लेके आ सकते हैं, बट काइंडली आप ट्राई करें आपके फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, या आपके फैमिली में जो भी ऐसे बच्चे हैं उसको टाइमली चेकअप कराएं। कभी कभी क्या होता है ऐसे बच्चों को इग्नोर करते हैं ये मान कर कि ऐसे बच्चे, तो कुछ बच्चे होते हैं लेट खड़ा होते हैं, लेट चलते हैं, ऐसे में उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो इंप्रूव कर जाती है, बढ़ जाती है, और हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ओके, ऐसे बच्चों का सिर्फ मेडिकेशन से कंप्लीट हम रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं कर सकते हैं, मेडिकेशन का अपना रोल है और थेरेपी का अपना रोल है। ओके, सो आप ट्राई करें कि टाइमली अगर बच्चा आपका टाइम पर नहीं बैठ रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है, तो टाइमली किसी एक्सपर्ट फिजियो के पास लेके जाएं और उसका कंप्लीट असेसमेंट और चेकअप कराने के बाद एज सून एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जाए। सो होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और काइंडली शेयर विद द पीपल सो दैट ऐसा कोई भी बच्चा ना बचे जिसका कि टाइमली ट्रीटमेंट ना हो सके। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो केयरफुली एंड पेशेंसली, थैंक यू।